हेलो दोस्तों, मोरवाड जर्नल में आपका स्वागत है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आज मोल्ड विराट के अंदर एनएक्स के अंदर कैसे कोर कैप्टन निकालते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिंपल सा पार्ट बना रखा है, तो आपको सिंपल ही पहले करना है आपको, ठीक है? देखते जाना है, इंटेलिजेंसी प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें सिंपली अब ये जो आ रहा है, ये ऑप्शन जब आएगा, जब आप इसमें एनएक्स के अंदर मोड लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लोगे, तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी चैनल पे, तो जाके एक बार देख लें वो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कहाँ से करनी है। तो ये सब आ जाएगा आपके, आपने ओके कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है? सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल पार्ट है। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। वर्क पीस लेना है। वर्क पीस लेने के बाद सिंपल इसमें आपको यहाँ से ऊपर चाहिए हो दिया है, इसमें जिधर भी जितना साइड करना चाहो यहाँ से एडिट कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करके दोनों साइड में, ठीक है? इसमें भी देन ओके। तो अब इसमें चलते हैं, तो सिंपल पार्ट बनाएंगे, पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो इस पर करना है चेक रीजन में, ये चेक रीजन कर लिया। इसके बाद आपको सिंपली ये बॉक्स बनाएगा, इसमें आपको देखना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है? देन ओके और अप्लाई या जो भी आप करना चाहें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफाइन रीजन करना है, ठीक है? डिफाइन रीजन में हमें कोर कैप्टी वो करनी पड़ेगी सजेस्ट। तो यहाँ पे देखो, ये कोर कैप्टी को कोर दिखा रहा, उल्टा दिखा रहा, तो आपको शिफ्ट दबा के अनसेलेक्ट करके कैप्टी का ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट ले लेगा, और इसको यहाँ पे क्रिएट रीजन और क्रिएट पार्टिकल लाइन अप्लाई कर देना है। अब आपको कोर पे जाना है, तो कोर आउटर का ऐसा पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है? सिंपल ऐसी क्रिएट लाइन और क्रिएट पार्टिकल लाइन इस पर अप्लाई कर देना है, और इसमें डिलीट एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? इसके बाद आपने कैंसिल करके फिर आपको जाना है पार्टिकल लाइन में, ठीक है? डिजाइन पार्टिंग लाइन में जाना है, पार्टिंग सरफेस, सॉरी, डिजाइन पार्टिंग सरफेस में जाके अब जैसे भी आप यहाँ से भी बढ़ाना चाहो वैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक कमांड होती है गाइड एक्स टू, तो इस पर जाना है आपने, यहाँ से कोर रीजन कर देना है। फिर ये यहाँ देखो, ये कॉर्नर अभी क्रॉस नहीं कर रहा, तो इस बॉक्स को क्रॉस करनी चाहिए आपकी पार्टिंग लाइन, तो इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कहाँ से हो गई है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, बाद में एडिट करके हम इसको मतलब कि बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो मैं सिंपली इसमें यहाँ से देखता हूँ कुछ होता है तो, पार्टिंग सरफेस लेंथ है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन ये बढ़ नहीं रही है, तो छोड़ो, नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। अब दोबारा आपको वहाँ पे जाना है फीचर में जाके इसमें, और यहाँ से इसको इसके फीचर को खोलना है, गाइड एक्सटेंशन में जाके आपको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे 60 mm को यहाँ पे मेक, इसमें करने के बाद आपको यहाँ पे इसको 70 mm कर देना है, ओके कर देना है इसको। तो ये कुछ एरर दिखाएगा जो कि हम कस्टमाइज कर रहे हैं इसको, तो इसमें थोड़ा सा मैसेज वगैरह आएंगे, तो इसको ओके को कर देना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? फिर आपको सिंपली जाना है डिफाइन कोर कैप्टी, कैप्टी एंड कोर में, तो यहाँ से कैप्टी डिफाइन कर देना, ठीक है? और फिर आपको जाना है इसमें ओके कर देना है, यहाँ से कोर डिफाइन कर देना है, ये आपका कोर हो गया, ओके कर देना है। आई होप इससे ज़्यादा सिंपल और कोई तरीका है नहीं जो आपको मैंने बताया, सबसे बेस्ट सिंपल तरीका है सिंपल पार्ट पे, बाकी बनाते रहेंगे। यहाँ से आप सारी कोर कैप्टी अलग अलग बन गई फाइल, दोनों को अलग करना चाहो अलग कर लो, बाद में असेंबली करना चाहो असेंबली कर सकते हो। असेंबली अगर नहीं आती तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आके देख लें। तो बस यही था, तो सिंपल पार्ट तरीका स्टार्ट कराया, और बाकी नेक्स्ट आगे भी थोड़े कॉम्प्लिकेट पार्ट की बनाएंगे, बट आप सिंपली आप देख लो, ठीक है? वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद, बाय।